मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक मीरा के पैरों के घुंघरू भारत की धरती पर बजते रहे। मीरा संत रविदास की शिष्या है। संत रविदास से जुड़ने के पहले मीरा का श्याम केवल गोकुल का घनश्याम था, लेकिन संत रविदास से जुड़ने के बाद मीरा का श्याम विश्वव्यापी राम हो गया। मीरा इस पद में अपने प्रियतम श्याम के गीत गा रही है। सुनो क्या कहती है। राणा जी, अब न रहूंगी तोरी हट की। जब मीरा राज परिवार से आती है, बड़ा विरोध था कि राज परिवार की रानी और वृंदावन की गलियों में गीत गाती फिर रही है, और गुरु भी बनाया तो किसको बनाया? चमार जाति से आए संत रविदास को बनाया, तो बड़ा विरोध था। और जो भी राणा शासक था चित्तौड़ का, वह विरोध करता था, रोकता था मीरा को। लेकिन मीरा राणा को कह रही है कि राणा जी, अब न रहूंगी तोरी हट की, अब तुम्हारे रुके मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जब किसी को प्रीत हो जाती है गोविंद से, तो उसकी हालत क्या होती है? मैं कैसे रोकूं पाँव बांसुरी बजती है पास पिया का गांव बांसुरी बजती है। गोविंद की बांसुरी, ऐसा नहीं कि कभी कृष्ण आए ब्रज में और उन्होंने बांसुरी बजाई और चले गए। कृष्ण की वह बांसुरी जिसकी ओर संतों ने भक्तों ने इशारा किया है, वह तो सदा ही बज रही है। वह तो सारे अस्तित्व की गूंज ही है। भीतर और बाहर वह बांसुरी सदा सर्वदा बजती ही रहती है, हर काल में हर युग में। है पास पिया का गांव बांसुरी बजती है। जब तान चदरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है। जब सो जाते हो उस समय भी परमात्मा वंशी बजाए चला जाता है। कहती है मीरा, साध संग मोहि प्यारा लागे। अब तो मुझे साधुओं का संग प्यारा लगता है, अब तो मुझे संसार अच्छा लगता नहीं है। ऐसे ही जब तुमको परमात्मा से प्रीत पैदा हो जाती है, तो तुम भी साधुओं का संग खोजना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये तो जगत की रीत है। जो गवैया है गवैये के पास जाता है, जो शराबी है शराबी से प्रीत लगाता है। ऐसे ही जो परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हैं, वे भी परमात्मा को प्रेम करने वालों को खोजना शुरू कर देते हैं। तो मीरा कहती है कि साध संग मोहि प्यारा लागे। वे संत मुझे प्यारे लगने लगे हैं जो गोविंद को प्रेम करते हैं। जिसके लिए मीरा एक दूसरी जगह कहती है, साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब लोक लाज की चिंता नहीं है, साधुओं के संग में बैठना उठना मुझे अच्छा लगता है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। कोई भगत दिखता है तो राजी हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, और जब जगत को देखती हूँ तो आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि जगत क्यों दुखी है इतना। जबकि नाम का खजाना, आनंद का खजाना सबके भीतर परमात्मा ने दे रखा है, फिर भी जगत इतना दुखी क्यों है? कहती है मीरा, साध संग मोहि प्यारा लागे लाज गई घूंघट की। पुराने ज़माने में राज रानियाँ घूंघट में रहा करती थीं, लेकिन कहती अब तो घूंघट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साधुओं के संग बैठना उठना, गोविंद की चर्चा करना, गोविंद के यश गाना, गोविंद के गीत गाना, गोविंद के प्रेम में नाचना, अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि घूंघट को चिंता नहीं होती। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, प्रीत की रीत नहीं कछु राखत। रखना, जब तुम्हें प्यार हो जाता है तो ये रीत रिवाज, ये रस्म रिवाज, ये अच्छा नहीं लगता, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। गोपाल सिंह नेपाली एक जगह कहते हैं, मन मिले तो जवानी रसम तोड़ दे, प्यार निभता न हो तो कसम तोड़ दे, यूं बिछुड़ कर न रतियाँ गुजारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जब प्रीत लग गई तब रस्मों रिवाज की तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीत की रीत नहीं कछु राखत, जात न पांत नहीं कुल गारव। अब न जात और पांत की फिक्र है, और जब प्रेम होता है तो जात पात की चिंता भी नहीं करता, और कुल की और गोत्र की, और आपस में लोग जो प्यार करने वाले कोई शीलता का भी ख्याल नहीं रख पाते, गाली गलौज भी दे देते हैं प्यार में कभी कभी। और प्रेम के नेम कहूँ नहीं दीसत, लाज न कानी लगे सब खारो। प्रेम में कोई नियम पालन नहीं हो पाता, और न कोई मर्यादा का पालन हो पाता है, और सब ये प्रेम में ये नीति की बातें, मर्यादा की बातें, ये खारी लगने लगती हैं। लीन भयो हरिसो अभियंतर, ये असली प्रीत है। ये बाहर की प्रीत तो उसका बिंब है, असली तो प्रीत गोविंद से है, जो तुम्हें अंतर गुफा में जा करके, भीतर अभ्यंतर में जा करके लगता है। तो लीन भयो हरिसो अभियंतर, आठ हूँ जाम रहो मतवारो, आठों घड़ी आठों पहर
बस भीतर गोविंद के प्रेम में भक्त लीन रहता है। सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव के पैंडो ही न्यारो। ये भीतर का गोकुल गांव जो है, जो संतों का गोकुल भीतर होता है, अभ्यंतर में होता है, भीतर के आकाश में होता है। कहते हैं सुंदरदास की वहाँ एक रीति निराली है, वहाँ की सारी चीज़ें निराली हैं। कहती है मीरा, पीहर मेड़ता छोड़ा अपना। गोविंद के प्रेम में दीवानी हो गई है मीरा, उसने अपना मायका छोड़ दिया है। पीहर मेड़ता उसका मायका है, उसको भी छोड़ दिया है। एक दूसरी जगह मीरा कहती है इसी बात को, नहीं मैं पीहर सासरे, न तो मुझे मायका अच्छा लगता है, न ससुराल अच्छी लगती है, नहीं प्याजरी साथ, और नहीं तो जो सांसारिक अपना पति है वह अच्छा लगता है। अब मीरा ने गोविंद मिले आजी, गुरु मिले आ रहे दास। बस दो ही बातें अब मीरा को अच्छी लगती है, गुरु और गोविंद। ऐसे ही जब तुम गोविंद के प्रेम में पड़ते हो, साधना के पथ पर चलते हो, संसार प्यारा है चलो मान लेते हैं, लेकिन जब गुरु और गोविंद से नाता जुड़ जाता है तो तुम्हारी प्रायोरिटीज़, जो तुम्हारा प्रेम की गहराई है, वो गुरु और गोविंद से सर्वाधिक गहरी हो जाती है। कहती है मीरा, सुरत निरत दो चटकी। ये सुरत और निरत ये दो शब्द बड़े प्यारे हैं। जो भीतर सुनते हो परमात्मा का संगीत, इसको सुरति कहते हैं, और जो भीतर देखते हो परमात्मा का आलोक, इसको निरति कहते हैं। और जैसे जैसे साधना में तुम्हारा विकास होता जाता है, तुम भी मीरा की तरह कह पाते हो कि सुरत निरत दो चटकी, जैसे कलियाँ खिल जाती हैं, ऐसी सुरत की कली और निरत की कली तुम्हारी खिल जाती है और फूल बन जाती है। जैसे जैसे सुमिरन गहराता है, जैसे जैसे तुम्हारी समाधि गहराती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सुरति समानी निरति में। और अंत में तो सुरति और निरति भी अलग अलग नहीं रहती, तुम चक्षु श्रवा हो जाते हो, आँखों से सुनना शुरू कर देते हो, केवल देखते ही नहीं। जैसे सांप होता है वो आँखों से ही कानों का काम भी लेता है, आँख से ही सुनता है, इसलिए तो नाम चक्षु श्रवा है। तो अंत में तुम चक्षु श्रवा हो जाते हो, जहाँ सुरति और निरति दोनों मिल जाती है। सुरति समानी निरति में, निरति रही निर्धार। बाहर जो तुम देखते हो तो कोई ना कोई आलंबन होता है, कोई ना कोई आधार होता है जिसको तुम देखते हो, लेकिन भीतर कोई आधार नहीं होता। और सुरति निरति परिचय भया, तब खुला सिंह द्वार। और जैसे जैसे सुरति और निरति से तुम्हारा परिचय बढ़ता चला जाता है, दोनों जब एक हो जाते हैं, तो जो आज्ञा चक्र है, जो सिंह द्वार है जिसको कहा है संतों ने, वज्र कपाट भी कहा है, शिव नेत्र भी कहा है, फिर वो खुल जाता है और उसके भीतर परमात्मा का आलोक, परमात्मा का महाकाश दिखाई पड़ना शुरू कर देता है। जिसके लिए हाथरस के संत तुलसी साहब कहते हैं, खसखस के दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है। वो जो आज्ञा चक्र है उसके भीतर जब तुम्हारा महाशून्य में प्रवेश होता है तो परमात्मा का जगत वहाँ से शुरू होता है। कहती है मीरा, सतगुरु मुकुर दिखाया घट का। गोविंद का बिंब दिखा दिया मेरे ही घट में, मेरे गुरु ने दर्पण दिखा दिया कि देख लो तुम्हारा घट ही दर्पण है जिसमें गोविंद विद्यमान है बिंब की तरह। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, पुहुप मध्य जीव बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, जैसे फूलों में खुशबू है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहू भाई। ऐसे ही तुम्हारे घट में ही गोविंद बसता है और घट में ही गोविंद को खोजना होता है। कहती है मीरा कि सतगुरु मुकुर दिखाया घट का, नाचूंगी दे दे चुटकी। और अब तो इतना आनंद मिल गया है कि बस उत्सव से नाचने का मन करता है। और हार सिंगार सभी लो अपना, चूड़ी करके पटकी। कहती कि राणा जी, ऐ लोगों, अब ये हार सिंगार तुम रखो, अब मैंने तो अपने हाथों की चूड़ियाँ भी पटक दी हैं, अब ये बाहर के श्रृंगार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सुहाग अब मोकूं दर्शा, अब मेरा सुहाग, चिर सुहाग, अब मुझको पता चल गया है, मुझको दिखना शुरू हो गया है कि मेरा सुहाग, मेरा गोविंद, मेरा पति, असली पति, वह तो मेरे भीतर सदा विद्यमान है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, साईं सुहागन नानका जो भाणी करता रही। अरे वही सुहागन है जो अपने प्रियतम को भा जाती है, नहीं तो लाख श्रृंगार करो, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अगर तुम अपने प्रियतम को न जचे तो तुम्हारा श्रृंगार व्यर्थ है। कहती है मीरा, और न जाने घट की, लेकिन और कोई घट के इस रहस्य को नहीं जान सकता, जिसको गुरु बता देता है वही इस घट के रहस्य को जान लेता है कि हमारा चिर सुहाग हमारे भीतर सदा विद्यमान है।
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जेह घट राम रहिया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर। जिसके घट में राम भरपूर रहता है, अर्थात अपने भीतर राम की पूर्णता को जो जान लेता है, मैं तो उसके चरण कमलों की धूल बन जाना पसंद करूँगा। कहती है मीरा, महल मिला राणा मोहिन चाहिए, मुझे असली महल मिल गया अब जहाँ गोविंद रहता है, मुझे अब राणा की कोई ज़रूरत नहीं है। और साड़ी रेशम पटकी, अब तो मैंने अपनी साड़ी रेशम की साड़ियाँ भी दूर कर दी हैं, उसकी बाहर के श्रृंगार की बाहर की साड़ी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। हुई दीवानी मीरा डोले केस लटा सब छिटकी, अब तो मीरा प्रेम दीवानी हो गई है और अपना केश का लट बनाना, केश का श्रृंगार करना, ये सब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि असली श्रृंगार का मुझे पता हो गया है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नवसत साजे सुंदरी, 16 श्रृंगार कोई सुंदरी जैसे करे, तन मन रही संजोए, पियके मन माने नहीं विडम्ब किए क्या होए। 16 श्रृंगार कर लो और प्रियतम राजी नहीं है तो तुम्हारे श्रृंगार का क्या मूल्य है। असली श्रृंगार तो भीतर से होता है, उस गोविंद के प्रेम में पड़ो, मीरा जैसे तुम भी दीवाने हो जाओ गोविंद के प्रेम में, वही श्रृंगार है और असली वही सहज योग है। हरिओम तत्सत।